झार झारखंड हर रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जी के सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस नए सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जी के सीरीज। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। इस प्रश्न का आंसर है बी, खूंटी। लाह या लाह संस्कृत के शब्द से मिलकर बना हुआ है। संभवतः लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाछा पड़ा था। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है, सब बनाया गया है, इसी कारण इसे प्राकृतिक का वरदान भी कहते हैं। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटा छोटा होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर लाखा भी कहा जाता है। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लच शब्द से हुई है। संभवतः इसका कारण मादा कोष से अनगिनत अर्थात लच शिशु कीड़ों से निकलना है। लगभग 34,000 लाख के कीड़ों 1 kg रंगीन लाख तथा 14,400 लाख के कीड़े 1 kg कुसमी लाख पैदा करते हैं। और झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 90% जो होता है बेच दिया जाता है और 10% झारखंड यूज करता है। लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य में खूंटी का प्रथम स्थान है। और 1925 ईस्वी में नामकुम रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। और लाह कहाँ पाला जाता है? तो कुसुम का पेड़ में, पलाश के पेड़ में, बेर के पेड़ में आदि में इसका पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की गई? 2011 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में और 2015 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर है ए, 2011 ईस्वी में। झारखंड सरकार ने वर्ष 15 नवंबर 2011 ईस्वी में मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत की थी। पोस्ट ऑफिस में डाक जमा योजना के तहत लाडली का खाता सरकार खोलेगी और जन्म से लेकर 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये सरकार खाता में जमा करती है। इस तरह से 5 वर्षों में 30,000 हो जाते हैं। कक्षा 6 से जाने पर 2,000, कक्षा 9 में जाने पर 4,000 और कक्षा 11 में जाने पर 7,500 और कक्षा 12 और 12 में प्रत्येक माह 200 रुपये, 21 वर्ष होने पर 1,08,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री लाडली योजना का यही मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण .. सहयोग से हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र का किसके सहयोग से स्थापना किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस। इस प्रश्न का आंसर है डी, रूस। बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। सोवियत संघ, रूस का पुराना नाम है सोवियत संघ। यह झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। सन 1964 ईस्वी में यह एक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया, यानी बनाया गया था। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। बाद में इसे भारत सरकार के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। पहले इसे बोकारो स्टील लिमिटेड BSL के नाम से भी जाना जाता था। इसकी पहली ब्लास्ट फाइनेंस 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी को आरंभ किया गया था। संपत्ति इसमें 5 ब्लास्ट फाइनेंस है जो 4.5 मैट्रिक टन द्रव इस्पात बनाने की क्षमता रखते हैं। इसमें इतना क्षमता है, 4.5 मैट्रिक टन। इस संयंत्र का बृहद आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर इसकी क्षमता 10 टन के ऊपर पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है,
JMMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तुपुदना रांची में, मधुपुर, जसीडी और सरायकेला। इस प्रश्न का आंसर है ए, तुपुदना रांची। अगला प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र स्थित है बोकारो में, आदित्यपुर में, कांड्रा और रांची में। इस प्रश्न का आंसर है डी, रांची में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कलेक्टर के स्वीकृति की है आदित्यपुर में, तुपुदाना में, जसीडी में और बोकारो में। इस प्रश्न का आंसर है ए, आदित्यपुर, और ये सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? हजारीबाग, पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रश्न का आंसर है बी, पलामू। पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है और ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है और यह एक कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है, टिस्को का गठन कब किया गया था? 1907 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1920 ईस्वी और 1922 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर है ए, 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। दोराबजी टाटा द्वारा साचकी जो कि जमशेदपुर में पड़ता है उसके द्वारा किया गया था और इस फैक्ट्री से 1911 ईस्वी में लोहा और 1914 ईस्वी में स्टील का उत्पादन किया गया था और 2005 ईस्वी में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था और यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। टाटा स्टील पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है जो जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। यह दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। यह फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भी शुमार है जिसमें इसका स्थान 315वां है। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह बृहद यानी बहुत बड़ा टाटा समूह की एक अग्रणी कंपनी है। टाटा स्टील भारत की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली निजी क्षेत्र की दूसरी बड़ी कंपनी भी है जिसकी सकल वार्षिक आय 1,32,110 करोड़ रुपये है जिसमें से 31 मार्च 2008 ईस्वी को समाप्त हुए वर्ष में शुद्ध लाभ 12,350 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? लौह अयस्क, ग्रेफाइट, बॉक्साइट और यूरेनियम। इस प्रश्न का आंसर है डी, यह एक आण्विक पदार्थ है। यूरेनियम क्या एक आण्विक पदार्थ है और झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूमगढ़, बागजात, खेरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में भी खनिज पाया जाता है। जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित तुराम डीबी यूरेनियम खनन के लिए भी प्रसिद्ध फेमस है और ये जादूगोड़ा आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है। अगला प्रश्न है, जरिया खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। इस प्रश्न का आंसर है ए, झारखंड में। झरिया धनबाद जिला में पड़ता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में का सबसे बड़ा कोयला की खान झरिया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान कर्णपुरा है। झरिया में पूरे झारखंड का लगभग आपका 60% कोयला उत्पादन किया जाता है।
सबसे पहले झारखंड में कोयला का खनन झरिया में ही स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? राजमहल, चिड़िया, सतबरवा और झरिया में। इस प्रश्न का आंसर है बी, चिड़िया में। यह पश्चिमी सिंहभूम का एक जगह है और लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। यहाँ पे लगभग 200 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। झारखंड में उपलब्ध कुल लौह अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क पाया जाता है और यह विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार वाला क्षेत्र भी है। और झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पूछा जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम पड़ेगा। इसके अलावा नवा मंडी की खान एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन से निम्नलिखित योजना शुरू की गई थी? बालिका कल्याण योजना, चिरंजीवी योजना, सुकन्या स्मृति योजना, महिला विकास कार्यक्रम। इस प्रश्न का आंसर है सी, सुकन्या स्मृति योजना। इसकी सुकन्या स्मृति योजना 2014-15 में स्टार्ट किया गया था और इसका मेन उद्देश्य है बालिकाओं को सशक्तिकरण करना था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? इस प्रश्न का ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रश्न का आंसर है डी, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा के बीच 3400 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछा रही है। यह देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है। इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मेकन ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी और बिहार में सोन नदी के नीचे पाइपलाइन बिछाएगी। इसी पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी और यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली और बिहार में कैमूर और रोहतास होते हुए गया तक आ गई है। झारखंड में यह पाइपलाइन बोकारो और सिंदरी से होकर गुजरेगी जिससे झारखंड के शहरों को जोड़ा जाएगा। झारखंड में यह पाइपलाइन 6 जिला से होकर गुजरेगी। वह जिला है बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और रांची होते हुए गुजरेगी और इसके अंतर्गत 4 राज्य को जोड़ा जाएगा। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? काइनाइट, एस्बेस्टोस, अब्रक और यूरेनियम। इस प्रश्न का आंसर है डी, यूरेनियम। चलिए यूरेनियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। झारखंड में यह 7 यूरेनियम खदान है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देश में 8 यूरेनियम की खाएं हैं। इनमें 7 खान झारखंड में स्थित है। इनमें जादूगोड़ा, भट्टी, तुरामडी, बागजत्ता, नरवा पहाड़, बांदू हुरांग और महुल डी है शामिल है। जादूगोड़ा यूरेनियम खान से 1987 से खनन हो रहा है और तुरामडी पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है जो झारखंड का एक जिला है। अगला प्रश्न है, बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज और जामताड़ा। इस प्रश्न का आंसर है सी, साहेबगंज, जो कि एक झारखंड का जिला है। बेटोनाइट का यूज किया जाता है निर्माण तथा अभियांत्रिक क्षेत्र में
और यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, तथा लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।